नमस्कार मित्रों, राधे राधे। आज हम बात करेंगे दिवाली पर। बहुत सभी लोगों को कन्फ्यूजन है कि दिवाली 31 तारीख को है या 1 नवंबर को मनाएं। तो शास्त्रों के नियम क्या है, आज हम सभी पंचांग लेकर बैठे हैं और आज हम आपको ये बताएंगे कि आपको दिवाली किस दिन मनानी है, महालक्ष्मी का पूजन किस दिन करना उचित रहेगा, धनतेरस किस दिन मनानी है, नरक चतुर्दशी किस दिन मनानी है और दिवाली किस दिन महालक्ष्मी की पूजा करनी है। और भैया दोस्त तक सभी तिथियों का आज हम निर्णय लेकर यहाँ पर बैठे हैं। हमारे साथ में है बनवारी भाई जी, बहुत ही विद्वान है, शास्त्रों की ज्ञाता है और सभी जितने भी पंचांग हैं सबका अध्ययन करने के बाद आज हम सब जिस निर्णय पर पहुंचे हैं उस निर्णय को आपके सामने आज हम लोग रखने वाले हैं। क्योंकि आजकल क्या होता है, सभी तिथियाँ दो दो होने के कारण बहुत ही कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि 1 तारीख को जो है दिवाली मनाए या 31 तारीख को मनाए। पूर्णिमा 2 हो जाती है उसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, एकादशी 2 हो जाती है उसमें बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन दिवाली इतना बड़ा उत्सव पर्व है, महापर्व है हमारा, तो इस दिन कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सभी पंचांगों का हम आपके सामने लेकर आए। हमारे पास में 100 साल का भी पंचांग रखा है और पूरे जो है जितने भी पंचांग हमारे लेकर बैठे हैं जिसका निर्णय हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं कि दिवाली आपको किस दिन मनानी है, माँ लक्ष्मी का पूजन कर किस दिन करना है और जो भी आप अमावस्या के पितृ कार्य करने हैं वो आप किस दिन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आचार्य जी राधे राधे। जय श्री राम। देखिए आपकी बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है सभी को, बहुत से लोग का फोन आया मेरे पास में कि 31 तारीख को मनाए या 1 तारीख को मनाए। तो आज जो निर्णय हम लोग दोपहर से बैठे हुए हैं जी, इतने सारे पंचांगों का हम लोग शोध कर रहे हैं, तो इसमें जो भी निर्णय आज हमने निकाला है वो आप हमारे दर्शकों को बताएं जिससे उनके मन में जो शंका है वो दूर हो और एक मत होकर हम किसी भी पर्व और त्योहार को मनाएं। जी जी। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। राधे राधे। मुख्य जो हमारे पंचांगों में कोई भी पर्व तिथियों का त्योहारों का जो कन्फ्यूजन जो देखा गया है, कोई पहले मनाता है कोई बाद में मनाता है, उसका कारण केवल एक है, वो गणित के मान के कारण। कोई मानता है दृग गणित को, कोई मानता है सौर गणित को। सौर गणित भगवान सूर्य के द्वारा, चंद्र गणित भगवान चंद्र के माध्यम से इन गणितों का, जैसे तो हमारे ज्योतिष में नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन में बदल जाता है। हाँ, वो लोग मानते हैं पूर्णिमा को, हम लोग मानते हैं अमावस्या को। हाँ, हमारे यहाँ हमारे जो भारत इधर जो नॉर्थ इंडियन जो हम लोग हैं और उधर साउथ इंडिया में पंचांग प्रारंभ होता है तो वहाँ पूर्णिमा आदि जैसे प्रतिपदा तो शुक्ल पक्ष आदि मास होता है, हमारे यहाँ होता है कृष्ण पक्ष आदि मास। हमारे यहाँ कृष्ण पक्ष पहले आ जाता है और जो लोग दृग गणित को मानते हैं तो दृग गणित को मानने वाले जो हैं उनकी जो दीपावली है वो है 1 तारीख की, और सौर गणित को मान रहे हैं उनकी दीपावली मना रहे हैं वो। सौर गणित प्राचीन भारतीय जो आर्ष पद्धति है उसके अनुसार सौर गणित हमारी ही परंपरा की है और ये दृग गणित भी हमारी ही है, पर ये दृग गणित जो है इसी दृग गणित से प्रेरित होकर के और कंप्यूटर जो बने हैं इसी दृग गणित के माध्यम से ही कंप्यूटर में जो गणित है वो इसी दृग गणित की जो गणित है। इसीलिए हमारे जो पंचांग हैं जैसे बनारस में जो पंचांग बनते हैं वो सौर गणित को प्राधान्यता देते हैं, इसीलिए थोड़ा सा हालांकि ज्यादा फर्क नहीं है, दृग गणित मानने वाले और सौर गणित मानने वाले उनकी तिथियों में तो फर्क नहीं आता, बस अक्षांश में 4 मिनट का कुछ ऐसे फर्क होता है। पर समस्या ये है कि दृग गणित के विद्वान हुए पंडित श्री प्रियव्रत सारस्वत जिनका ये पंचांग है, मैं आपको दिखाता हूँ श्री मार्तंड पंचांग, ये पंजाब के बहुत बड़े विद्वान हुए दृग गणित के। इन्होंने जो है सौर गणित के विद्वानों को ऐसे ऐसे चैलेंज दिए महाराज, बड़े बड़े काशी के विद्वानों के सामने इनके अकाट्य तर्कों का कोई भी सौर गणित मानने वाले कोई भी इनका जवाब नहीं दे पाए। इनका नाम है पंडित प्रियव्रत सारस्वत, इनका ये समय वर्तमान में जो ये पंचांग है मार्तंड पंचांग,
ये जो सबसे जो है प्रबल माना जाता है। इनके पिताजी श्री मुकुंद वल्लभ सारस्वत जी ये जो है पंजाब के रहने वाले हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि इसीलिए हम लोग दीर्घ गणित को प्राधान्यता इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि ऐसे विद्वान पंडित जिनके आगे सौर गणित को मानने वाले पंडितों की कतई चली नहीं, आज तक उनके तर्कों का कोई जवाब नहीं दे पाया। अगर कोई दे सकता हो तो हमारे पास भी उनके कई प्रश्न हैं दे सकें, तो हम लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव भी जो है उन्हीं का इस पंचांग को ही देख करके कोई भी निर्णय करते हैं। इस पंचांग में जो निर्णय दिया है आपके गुरुजी अपने गुरुजी दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु और पिता जो कहें तुम्हें वह माता जो पिता तुम्हें सब कुछ वही हैं, उन्हीं के माध्यम से उन्हीं से ही प्रेरित होकर के और उन्होंने ही एक तारीख का जो निर्णय जो गुरु जी का है। तो अब इस पंचांग के माध्यम से सबसे पहले हम इसी पंचांग में जो चर्चा करें कि दीपावली के पूजन का क्या है तो वो हम आपको बताते हैं। देखें आप तो मार्तंड पंचांग के दृग गणित के हिसाब से मार्तंड पंचांग के हिसाब से हमें एक तारीख को दिवाली मनानी है। हाँ, महालक्ष्मी का पूजन एक तारीख को करना है। अब देखिए हमें केवल इस पंचांग की वजह से कि इस पंचांग में लिखा है इसीलिए ऐसा नहीं है, ये पंचांग में बिल्कुल सटीक शास्त्रीय हमारे इस समय धर्म शास्त्र के निबंध ग्रंथ जो है मैं लेके आया हूँ आपके समक्ष। वैसे मैं भी एक पंचांग लेके बैठा हूँ जी, इसको कहते हैं शताब्दी पंचांग जी जी। ये 100 साल के पूरे निर्णय इसमें एक पंचांग में होते हैं, 100 साल का पंचांग पूरा होता है। इस पंचांग में भी ये शताब्दी पंचांग में भी एक तारीख को ही दिवाली महालक्ष्मी पूजन बताया गया है। हम लोग जानते हैं दो तिथियां होती हैं भाई, दृग गणित और सौर गणित अगर आप मानोगे तो दो तिथियां हैं। और एकादशी में भी कंफ्यूजन क्यों है, क्योंकि वैष्णव स्मार्त और कोई निम्बार्की है, कोई शुद्धा कोई द्वेधा, एकादशियों के भी विभिन्न भेद हैं। तो हमारे शास्त्रीय मानक हैं, इसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस शताब्दी पंचांग में भी एक तारीख की ही दीपावली मनाने का, क्योंकि ये दृग गणित से संचालित है, दृग गणित से चांद्र गणित जैसे कहें ठीक है ना। तो चांद्र सिद्धांत मानने वालों के लिए क्या चांद्र सिद्धांत ही वर्तमान में जितने भी पंचांग हैं भारत में जो प्रचलित पंचांग हैं, बड़े बड़े पंचांग जैसे कि मैं इस समय ब्रजभूमि पंचांग हमारे पास में है, इस पंचांग में भी एक तारीख की ही दीपावली मनाई गई है। और आपको मैंने ये पंचांग हमारे ब्रज क्षेत्र का है ही है। और आप ये देखेंगे ये नीमच का जो चंड मारतंड जिस पंचांग के नाम से है, इसमें भी एक तारीख ही दी गई है। कंफ्यूजन जहां हो रहा है वो हमारे काशी के जो पंचांग है, ये ऋषिकेश पंचांग है, ये सौर सिद्धांत के अनुसार जो हमारे दर्शकों को हम सारे पंचांग आज लेकर बैठे हैं। हाँ, जिस पर चर्चा करने ये है। ये काशी के पंचांग है, ये एक पंचांग, ये दोनों ही ऋषिकेश ही है, एक ये है एक जो पहले दिखाए हैं वो। इनमें जो है अब थोड़ा सा इसमें समीक्षा हम लोग करेंगे कि जो इन्होंने दिखा है कि प्रदोष सूर्यास्त के बाद त्रिमुहूर्त व्यापनी कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली मनाने की शास्त्राज्ञा है। इस दिन प्रदोष में लोग श्री महालक्ष्मी का पूजन करते हैं और स्पष्ट लिखा है कि प्रदोष समय राजन कर्तव्य दीपमालिका। दीपावली दीपों की अवली जलाई जाती है, हमारे घर में भी आजकल दीपक कब जलाए जाते हैं, हमारे घर में भी लाइट कब जलती है, दिन में थोड़ी जलती जैसे प्रदोष समय होता है ना। तो प्रदोष किसे कहते हैं, सूर्यास्त के बाद में सूर्यास्त से 2 घंटी 48 मिनट तक के समय को प्रदोष काल कहते हैं। ये प्रदोष काल, तो आप देखेंगे इसमें लिखा है कि प्रदोष समय राजन कर्तव्या दीपमालिका, प्रदोष के समय दीपमालिका का दीपक प्रज्वलित करना, महालक्ष्मी के पूजन का विधान प्रदोष के ही समय का है। तो आप देखेंगे इसमें यदि तो ये इसमें क्या लिखा है, परदिन एव दिनद्वयैव प्रदोष व्याप्तौ परा और पूर्वत्रैव प्रदोष व्याप्तौ लक्ष्मी पूजादौ पूर्वा अभ्यंग स्नानादौ परा एवं उभयत्र प्रदोष व्याप्त भावेपि। ये कह रहे हैं दोनों दिन प्रदोष में अमावस्या की व्याप्ति या व्याप्ति होने पर दीपावली दूसरे ही दिन मनाई जाए, यही शास्त्रकारों का अंतिम निर्णय है। अब ये तिथि निर्णय नाम के ग्रंथ में लिखा है कि दिन सत्वे सत्वासत्वे परा, तिथि निर्णय नाम के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि यदि दोनों दिन यदि
अमावस्या हो, दोनों दिन नहीं, दोनों दिन प्रदोष समय में अमावस्या हो, है ना। तो इस बार 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2024 को दोनों दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की यह अमावस्या प्रदोष व्यापनी है। दोनों ही दिन प्रदोष के समय 31 तारीख को भी है और 1 तारीख को भी है। अतः उपरोक्त नियमानुसार इस वर्ष दीपावली दूसरे दिन यानी 1 नवंबर 2024 को ही मनाई जाएगी, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि दिनद्वये सत्वा सत्वे परा। अगर दोनों दिन अमावस्या जो है प्रदोष के समय हो तो परा एव ग्राह्या, दूसरे दिन की ग्रहण करनी चाहिए। अब ये जो निर्णय सिंधु नाम का ग्रंथ भी हम लेके आए हैं, जो इन्होंने ये धर्मशास्त्र के हमारे ग्रंथ है निर्णय सिंधु धर्म सिंधु, तो इसमें मैं बिल्कुल आज इस आप देखें इसमें हाँ ये हम आज हमने इसमें भी अवलोकन किया है। इस ग्रंथ में आप देखें पूज्य गुरुदेव के द्वारा संदेश मिलते रहे और गुरु जी डालते रहे अलग अलग विद्वानों के माध्यम से और अपना भी मत डाला, तो इसमें लिखा है तुला संस्थे सहस्रांश प्रदोषे भूत दर्शयो हो। ये कह रहे हैं तुला के सूर्य, इस समय तुला के सूर्य हैं क्योंकि इससे पहले कन्या के सूर्य थे, तो कनागत जो श्राद्ध पक्ष के, अब तुला के सूर्य पे चतुर्दशी तथा अमावस्या को प्रदोष के समय में दोनों दिन प्रदोष काल में हो तो पराग्रहण करे, दिनद्वय सत्वे परह, ये लिखा गया है स्पष्ट, दूसरे दिन का ग्रहण करना चाहिए दूसरे दिन का। अब इसमें लिखा हुआ है बहुत सुंदर बात है, दंडईक रजनी योगे दर्शा स्यातु परे, यानी बहुत सुंदर इन्होंने कहा है अगर एक दंड भी प्रदोष के समय, एक दंड भी अमावस्या दूसरे दिन है तो दंड कहते हैं 24 मिनट को, इसके भी दंड के कई मान है, घटी और दंड को समान भाषा में भी बांधते, अन्य भी विद्वान दंड का माप बताते हैं, पर दंड एक जो है संस्कृत में समय को मापने का एक जो है नाम है दंड, जिसे 24 मिनट कहते हैं। तो आप देखेंगे कि दंडई के रजनी योगे दर्श स्यातु परे हन, यदि एक दंड भी अगर प्रदोष के समय पर दिन अवस्या हो तो स्यातु परे हनी, तो जो है पर दिन दूसरे दिन मनानी चाहिए। एक दंड रात्रि के योग में अमावस्या दूसरे दिन हो तब पूर्व दिन को त्याग करके दूसरे दिन सुख रात्रि में ही दीपावली मनाए, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। और देखिएगा देवोदासी हेतु, देवोदास जी के मत में क्या कहते हैं, प्रदोष काल को ही कर्मकाल कहा गया है, हर कार्य का अलग अलग कर्मकाल है, किस कार्य को कब किया जाए, जैसे महालक्ष्मी पूजन ये प्रदोष कैसे, मान्यता तिथि का निर्णय क्या है, तो तिथि का निर्णय देखिए कहते कर्मणो यस्य यह कालस तत्काल व्यापिनी तिथि और तया कर्माणि कुर्वीत ह्रास वृद्धि न कारण, जिस कर्म को किस समय करना चाहिए है ना, तो कर्मणो यस्य यह काल, जिस कर्म का जो काल है उस समय तत्काल व्यापिनी तिथि को लेना चाहिए, बहुत सुंदर बात है। तिथियां का हम लोग तिथियों का निर्णय सामान्यतः कुछ लोग कहते हैं अरे महाराज उदया तिथि है, सुबह सूर्योदय के समय जो तिथि है वो पूरे दिन मानी जाती है, पर कौन से समय उदया मानी जाती है, किस समय जो है कर्म काल भी अपनी मानी जाती है, तो ये ध्यान से सुने, कर्मों जैसे यह कालस, जिस कर्म के लिए जो काल निर्धारित शास्त्रों ने किया है तो तत्काल व्यापिनी तिथि, वो उस समय वो तिथि है कि नहीं उसका निर्णय करना। अब यही तो समस्या हो जाती है, अब हम लोगों की पहली एकादशी होती है और जो पहली एकादशी का मतलब स्मार्त, स्मार्त माने स्मृतियों को मानने वालों का, जो शास्त्रों को मानने वाले, गृहस्थियों की तिथि, गृहस्थियों की एकादशी पहले दिन होती है और सन्यासियों की, विधवा स्त्रियों की अगले दिन होती है, मगर उसको वैष्णव नाम दे करके और उसको सभी लोग कर रहे हैं, वास्तविक देखा जाए तो गृहस्थियों की पहले दिन होती है जो आप लोग एकादशी करते हैं। तो मैंने कहा कर्मणो यस्य यह कालस तत्काल व्यापिनी तिथि, कभी कभी तो हमने ये देखा कि उदय काल व्यापिनी तिथि का नाम लेकर के कभी उदया तिथि है और सुबह ही 7 बजे जो है एकादशी समाप्त हो गई, व्रत रह रहे हैं वो द्वादशी का, तो वो लोग ये समझ रहे हैं हम द्वादश त्रयोदशी को पारणा कर रहे हैं अगले दिन, हम लोग उस दिन जो है चावल बना के और बढ़िया से भोग लगाते हैं ठाकुर जी का, तो उसमें बात ये नहीं है, तो जिस काल हम व्रत रख रहे हैं उस व्रत में जो है हम
नाम ले रहे हैं एकादशी का और व्रत ले रहे हैं द्वादशी का, किस बल पर? कि उदयातिथि के नाम के लिए। पर कब उदयातिथि माननी है और कब कर्मकाल व्यापनी माननी है वो तो शास्त्र निर्णय करेंगे ना। अभी समय अभाव होने के कारण यही विषय बढ़ जाएगा, इसीलिए इसको संक्षिप्त में तो तया कर्माणि कुर्वीत रास विद्धि न कारणम। उसी समय उस कार्य को करना चाहिए जैसे प्रदोष समय में दीपावली करने का विधान है। अब देखिएगा, कई लोग कहते हैं कि याम तिथिम समनुप्राप्य उदयम याति भास्कर साधति सकलागे ज्ञानाध्ययन कर्मसु। उदय कालिक तिथि को किन किन, भाई सुबह प्रातः काल सूर्योदय के समय जो तिथि व्याप्त हमें मिल रही है और उसमें दान अध्ययन आदि कर्म किए जा सकते हैं। लिखा या का याम तिथिम समनुप्राप्य उदयम याति भास्कर, जिस तिथि में सूर्य उदय होते हैं साधति सकल आ गया, उसे सकला तिथि पूरे दिन मानना चाहिए। पर किन किन कार्यों के लिए? दानाध्ययन कर्मसु, दान के लिए, अध्ययन कर्म आदि कर्मों के लिए। पर ऐसा नहीं कि सभी जगह उदया उदया चल रही हो, हालांकि अगर इस दिन देखें हम 1 नवंबर को तो उदया तिथि है, इसीलिए सकल आ गया, साधति सकल आ गया, उसको रात्रि में भी माना। जो लोग अगर उदयातिथि को मानते हैं वृंदावन में तो सब अपने आपको वैष्णव कह करके और उदयातिथि मानते हैं, है ना, तो उदयातिथि भी मान लो तो भी पूरे सकल आ गया, 1 तारीख को तो भी एक तारीख को है, 31 तारीख को उदया नहीं है। और देखिए किस कार्य में और कौन सी तिथि ग्रहण करनी चाहिए, शास्त्रों में यह भी है। दैवे पूर्वाह्न की ग्राहिया, दैव देवताओं के कार्य में पूर्वाह्न की तिथि को ग्रहण करना चाहिए। श्राद्धे कुतुप रोहिणी, और श्राद्ध काल में कुतुप काल वो समय रहता है, एक मध्यान्ह के समय रहता है 10-11 बजे से और 1 बजे के कुछ लगभग ये समय है, 1:12 तक का और ऐसे करके 11 के बाद में और 1 से 12 बजे तक का कुतुब समय है, कुतुब वेला वो दुर्लभ वेला है, उसमें श्राद्ध ब्राह्मण भोजन तर्पण आदि कराने का जो है 1000 गुना फल मिलता है। और नक्त व्रतेषु सर्वत्र, नक्त व्रतों में, नक्त व्रत कहते हैं एक समय भूखे रहना और एक समय भोजन करना, तो नक्त समय में नक्त व्रत कहते हैं रात्रि को जिसमें भोजन किया जाए, शाम के समय भोजन किया जाए, तो प्रदोष व्यापनी तिथि, नक्त व्रतेषु सर्वत्र प्रदोष व्यापनी तिथि। और एकादशी और सॉरी दीपावली वाले दिन नक्त व्रत का विधान है, प्रातः काल भोजन करे ही नहीं, शाम के समय भोजन करने का विधान है, इसीलिए नक्त व्रतेषु सर्वत्र प्रदोष व्यापनी तिथि। नक्त व्रत में तो अमावस्या का जो व्रत है और दीपावली का जो व्रत है वो नक्त व्रत है, इसीलिए इसमें प्रदोष व्यापनी तिथि। तो अब समस्या ये आ गई कि दोनों समय प्रदोष व्यापनी है, तो उसका समाधान हमारे धर्मशास्त्र ग्रंथ करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि दंडई करजनी योगे दर्शा स्यातु परे हनी, अगर रात्रि में एक दंड भी, अब आप देखें कि हमारी अमावस्या कितने बजे से लग रही है, तो आप कार्तिक में आप देखें तो 31 तारीख को 15:52 पर प्रारंभ हो रही है अमावस्या, 3:52 पे, और 1 तारीख को 18:16 तक, माने 6:16 तक, और सूर्यास्त कितने बजे तक हो रहे हैं हमारे, लेकिन 17:00 ये भी, हाँ सूर्यास्त कितने बजे हो रहे हैं, 5:32 ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि एक दंड भी अगर प्रदोष के समय सूर्यास्त से 2 घड़ी तक प्रदोष समय रहता है 48 मिनट, ठीक है, अब आप लगाइए 48 मिनट तक, तो उसमें आप जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, 6:50 है ना, 32 से और 6:16 5:32 से लगभग 45 मिनट के अंदर लगभग, तो 45 मिनट, तो ये एक दंड से ज्यादा है, मतलब 2 दंड से 1-2-4 मिनट ही, 3 मिनट लगभग कम है, 48 तो 3 मिनट कम है। तो ये कह रहे हैं कि दंडई करजनी योगे दर्शन छात्र पर, एक दंड भी माने एक घटी भी यदि पर दिन प्रदोष के समय अमावस्या है तो परा दूसरे दिन की तिथि ग्रहण करना चाहिए। देवोदासी मत में लिखा हुआ है कि प्रदोषस्य कर्मकालत्वात्, दीपावली में प्रदोष ही कर्मकाल है, जैसे मैंने अभी वो श्लोक बोल के बताया कि किस समय कर्मकाल का की तिथि मानी जाए, तो प्रदोषस्य कर्मकालत्वात् अर्धरात्रे भ्रमत्येव लक्ष्मी राश्रे तुम गृहान,
जो लोग ऐसा कहते हैं कि आधी रात के समय घरों में लक्ष्मी घूमती है तो वो ठीक है, उस समय पूरा जो है पूजा हम लोग तो करते हैं प्रदोष के समय, और प्रदोष के समय दीपावली पूजन हो गया तो ऐसा नहीं कि प्रदोष के समय रहती है, लक्ष्मी आती है रात्रि में आती है, पूजन होता है तो बहुत से लोग सिंह लग्न में भी करते हैं रात्रि में पूजा, वो तो होगी अभी भी होगी, किस लग्न में किस कार्य वाले को किस लग्न में करनी चाहिए, हाँ तो अलग अलग वो होता ही है। अब एक बहुत सुंदर नई बात मैं आपको बताऊं, ये ग्रंथ है जिसका नाम है धर्म सिंधु, बड़ा प्रामाणिक है, इसमें लिखा है चतुर्दश्यादि दिनत्रयेपि दीपावली संयके यत्र यत्रान्नि स्वाति नक्षत्र योगस तस्य तस्य प्राशस्त्यातिशयः। ये कह रहे हैं कि चतुर्दशी से लेकर के और अमावस्या तक, यदि किसी दिन जैसे चतुर्दशी के दिन अमावस्या इसमें आई रही है 31 तारीख को, तो भले ही चतुर्दशी और अमावस्या का योग हो रहा है और स्वाति नक्षत्र जिस दिन मिले, चाहे पहले दिन मिले या पर दिन मिले, जिस दिन स्वाति नक्षत्र का योग हो तो वो अत्यंत प्राशस्त्य कहा गया है। तो आप देखेंगे ये कह रहे हैं कि चतुर्दश्यादि दिनत्रयेपि दीपावली संयके यत्र यत्रान्नि स्वाति नक्षत्र योगस तस्य तस्य प्राशस्त्यातिशयः। तो जहां स्वाति नक्षत्र है उसकी प्राशस्त्य, उसका प्राशस्त्य ज्यादा बढ़ जाता है। तो आप देखेंगे कि हम लोग जो है 1 तारीख को हमारा पूरे स्वाति नक्षत्र हमें मिल रहा है, 31 की रात में रात्रि के 12:44 से स्वाति नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है, और 1 तारीख को रात्रि में जो है 3:30 तक रहेगा, पूरी रात्रि हो गया, पूरी रात्रि। तो उस समय भी हमें जो है उस समय प्रदोष में स्वाति नक्षत्र नहीं मिल रहा है, धर्मशास्त्र के निर्णय पर जिस दिन स्वाति नक्षत्र है उस दिन का प्राशस्त्य भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये मैं आपको धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु आदि ग्रंथों के माध्यम से आपको मैंने ये सारी बातें बताई। अब आपके सामने देखें ये पंचांग भी आप देखें, इन पंचांगों में ये चंड मारतंड है, मारतंड है, चंड मारतंड है और भी अन्य पंचांग, मैं 1 तारीख को सिद्ध किया, 1 तारीख को सिद्ध किया है, तो और हम लोगों का भी निर्णय फिर यही है, हाँ। और मेन तो ये 100 साल के पंचांग में भी, ये 100 साल का जो पंचांग है इसमें भी चांद्र गणित की हिसाब से, तो इसमें भी 1 तारीख का ही लिखा है, हाँ। तो कुल मिलाकर आज हमारा सबका निर्णय ये हुआ है कि 1 तारीख को ही आप महालक्ष्मी पूजन करें और 1 तारीख को ही दिवाली मनाएं, 1 तारीख ठीक है ना। ओके आचार्य जी, और बता दीजिए कितने बजे महालक्ष्मी का पूजन करना है यदि 1 तारीख को करें, वो ठीक है पर उसमें प्रदोष के समय का लिखा हुआ है, वृष लग्न में स्थिर लग्न में जो है 6:22 से, हाँ 6:22 से प्रारंभ हो करके और 8:19 तक वृष लग्न रहेगी, हाँ। तो मित्रों 6:22 से लेकर 8:19 के मध्य में आप महालक्ष्मी का पूजन सायंकाल कर सकते हैं 1 तारीख को, बिल्कुल जी। और मेष लग्न में भी जिस समय प्रदोष का जो समय रहेगा वो भी बहुत अच्छा है, जिनका लाल वर्ण का कोई भी कार्य हो, मंगल संबंधी जैसे जो जिन जिन कार्य भूमि के जो लोग प्रॉपर्टी डीलरिंग का काम करते हैं, मकान बनाना, भूमि संबंधी को भी खनन इत्यादि का कार्य करते हैं उनके लिए और सभी के लिए मेष लग्न में भी पूजन कर सकते हैं वो पूरे ही समय। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी भी भ्रम रहित हो करके और इन धर्म ग्रंथों का, हम स्वयं कुछ नहीं कह रहे, हाँ। इन धर्म ग्रंथों के माध्यम से आप सभी के लिए यही बता रहे हैं और गुरुजनों के द्वारा भी इन्हीं का ही संदेश आ रहा है, ठीक है। चांद्र गणित भी अपने आप में श्रेष्ठ है और सौर गणित भी अपने आप में श्रेष्ठ है, तो किसी के प्रति भी को बड़ा छोट कहता अपराधु हम लोग, मगर धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु और बड़े विद्वान जो है वर्तमान में जिस गणित के, दृग गणित के विद्वान डॉक्टर प्रियव्रत सारस्वत से हम लोग बड़े ही उनके प्रति प्रेरित हैं, उनकी योग्यता से प्रेरित हैं, क्योंकि उनके अकाट्य तर्कों का कोई भी सौर गणित वाला कोई भी जवाब नहीं दे पाया आज तक, इसीलिए हम लोग और दे धर्मशास्त्र और इन सब चीज़ों में धर्मशास्त्र सबसे बड़ा है। धर्मशास्त्र अगर जिसके लिए हाँ कह दे वही इदमित्थम है,
अभी मेरे पास एक फोन आया नोएडा से, बोले आचार्य जी दीपावली, मैंने कहा एक तारीख की, बोले कि बिहारी जी मंदिर में तो 31 की है। अब जैसे कि कोई हॉस्पिटल है जो है बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग बनी हुई हो, है ना, बड़ी बड़ी इमारतें बनी हो और डॉक्टर उसमें हो नहीं, और डॉक्टर एक झोंपड़ी में बैठ करके दवाई दे रहा हो, तो आप उस बड़ी इमारत को देख करके इलाज कराने जाओगे या बड़े डॉक्टर को देख करके इलाज कराओगे, ये बताओ। डॉक्टर को वैद्य को देख के कराएंगे। तो हमारे पूज्य गुरुदेव श्री नर्मदेश्वर द्विवेदी जी महाराज और पूज्य गुरुदेव के पिताजी आप सभी जानते ही हैं, है परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय धर्म संघ वाले बड़े गुरु जी श्री राजवंशी द्विवेदी जी महाराज, पूरे पूरे देश और दुनिया में उनसे हाँ बहुत विद्वान लोगों में चर्चा है। हाँ, उन जैसा कोई न भूत हो न भविष्यति, उन जैसा कौन होगा बताइए। इस कलयुग में भी इन्होंने ऐसी तपस्या की कि महाराज कभी हेडपंप का जल भी नहीं पिया, हेडपंप का भी नहीं पीते थे, उसमें पार्सल वैसा रबड़ का या उसका रहता था, कुएं का जल आता था। गुरु जी ने कभी दर्पण में मुंह नहीं देखा, बाल सदा जो है बपन ही रहते थे। गुरुजी ने बाद में सिले हुए वो भी बगलबंदी पहनने लगे, नहीं सिले हुए वस्त्र नहीं धारण किए। गुरुजी ने गैस पर वो तो कलयुग में भी कलयुग से रहित है, कलयुग का प्रभाव उनको था ही नहीं, और धर्म से चलने वाले जो कहते हैं ना धर्म की प्रतिमूर्ति वो अपने गुरुजी थे। गुरुजी ने जो है गैस पर भोजन ही नहीं कभी कभी नहीं, लकड़ी पर उनका गुरुजी का प्रसादी बनती थी। तो ऐसे पूज्य गुरुदेव माता जी कहती हैं कि जब गुरुजी का भोजन बनता था तो सिले हुए वस्त्र पहन के ही भोजन नहीं बनता था, उनके वस्त्र पहन करके और वो वैसे बिना सिले हुए वस्त्रों से। तो ऐसे पूज्य गुरुदेव के द्वारा हम लोग संप्रेरित हैं और उन्हीं की कृपा से ही प्राप्त हैं। तो इन्हीं शब्दों में जो है अपनी वाणी को विराम देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सबको पता लग गया होगा कि किस दिन दिवाली का हमें मनानी है, किस दिन महालक्ष्मी का पूजन करना है, क्योंकि सारे शास्त्रों को सामने रखकर हमने आपको सब शास्त्रों का जो निचोड़ है वो आपके सामने उपस्थित किया है। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही, कल किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।